हाय गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हो कारी लाइट। गाइज, आपके सामने खड़ी है 2023 निशान मैग्नाइट की बेस वेरिएंट एक्सी। गाइज, इसके नीचे कुछ भी नहीं आता, एकदम बेस वेरिएंट। इसका फुल डिटेल रिव्यू करेंगे, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं, लाइक इंटीरियर एक्सटीरियर, क्या इसमें माइलेज मिलता है, क्या इंजन स्पेसिफिकेशन मिलता है, क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, एंड ये व्हीकल आपके लिए 2023 में लेना कितना बढ़िया होगा, वीडियो के इन तक बिल्कुल आपको मालूम चल जाएगा। एंड चैनल पर नए तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट हमेशा पाने के लिए। एंड गाइज, वाराणसी नियर बाय से बिलोंग करते हो, निशान की कोई भी कार चाहिए, कंप्यूटर गणपति निशान, चेकआउट द प्रोडक्ट एंड बुक नाउ। स्टार्ट करते हैं गाइस की से। तो कुछ ऐसी की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है मैग्नाइट के बेस वेरिएंट में, सिर्फ फिजिकल्स की मिलती है, कोई भी बटन्स वगैरह नहीं मिलते, निशान की ब्रांडिंग मिल जाती है। अगर वेरिएंट की बात करें तो टोटल 23 वेरिएंट में अवेलेबल होती है, 9 कलर ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाती है। आपके पास काफी सारे चॉइसेस, आप किसी पर भी जा सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर खड़ी हुई भाई अपनी ये कलर है, इधर ब्लैक है एंड इधर सिल्वर आ जाती है भाई, इधर आपको व्हाइट देखने को मिलती है, पीछे आप देख रहे होंगे रेड कलर है एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लू कलर है। तो ये सब चीजें, मतलब कलर आपके पास काफी सारे हैं, आप किसी पर भी जा सकते हो। एंड अगर बात करें प्राइसिंग की तो बेस मॉडल से स्टार्ट होती है 5.99 लाख एंड टॉप मॉडल से जाती है 11.02 लाख एक्स शोरूम। एंड गाइस, अपनी एक्सी की जो मॉडल है, एक्सी मॉडल, इसकी प्राइस आपको 5.99 लाख एक्स शोरूम देखने को मिलती है। तो 5.99 लाख में काफी अच्छी एसयूवी यहां पे आपको देखने मिलती है, मिड साइज एसयूवी, जहां पे काफी बढ़िया स्पेस मिलता है, वो तो हम लोग अभी वीडियो में बात करेंगे भाई आगे। एंड अगर फ्रंट से अगर आप देखते हो भाई, तो फ्रंट से ओवरऑल कुछ ऐसी लुक यहां पे आपको देखने को भाई मिल जाती है अपने निशान मैग्नाइट के बेस वेरिएंट में। यहां पे आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं मिलेगा बेस में और सेकंड टॉप में, आप देख रहे हैं, तो काफी बढ़िया सा शानदार लुक निकल के आ जाता है। यहां पे आपको निशान की मैग्नाइट, यहाँ पे आपको गाइज निशान की ब्रांडिंग मिलेगी। ग्रिल कुछ ऐसा मिल जाता है, यहाँ पे आप ग्रेज टाइप का बोल सकते हो, क्रोम की प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगी इसके ग्रिल पे। एंड यहाँ पे गाइज कुछ ऐसा लुक मिलता है, नीचे आपको इसके प्लेट वगैरह ब्लैक कलर का मिलेगा, यहाँ पे आपको नहीं मिलता है फॉग लैम्प, एंड क्रोम की ट्रीटमेंट अगेन मिलेगी। एंड देखते हो हेडलैम्प को, तो गाइज यहाँ पे आपको पूरा रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन सेटअप में हेडलैम्प मिलता है। इसी में गाइज यहाँ पे आपको टर्न लाइट इंडिकेटर मिलेगा एंड काफी सही शेप में यहाँ पे आपको हेडलैम्प देखने को मिलता है। पीछे से रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, आप लोग इसको प्लीज इग्नोर करिएगा। एंड ये है गाइज इसकी ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल। हुड को देखते हैं तो कुछ ऐसा हुड मिल जाता है यहाँ पे आपको, कोई भी यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको कटिंग वगैरह नहीं मिलती है, साइड में थोड़ी मोड़ी मिलती है, लुक शानदार मिलता है। यहाँ पे गाइज आपको फ्रंट में नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे आपको हाउसिंग मिलता है जो फॉग लैम्प का, बट फॉग लैम्प नहीं मिलता है। एंड यहाँ टॉप मॉडल में आपको डीआरएल मिलेगा, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये गाइज आपको यहाँ पे ऐसे कुछ डीआरएल देखने को मिल जाते हैं। एंड बढ़ते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ये है गाइज इसके ओवरऑल लेफ्ट साइड प्रोफाइल एंड काफ़ी सही लगती है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत सही मिलता है इसमें 205 mm का। एंड अगर टायर प्रोफाइल को देखते हैं गाइज, तो इसमें आपको रिम व्हील मिलता है, अलॉय व्हील आपको मिलता है सेकंड टॉप वेरिएंट से XB से। यहाँ पे गाइज आपको 195/60 सेक्शन का टायर मिलता है विद 16 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है गाइज, रियर में ड्रम ब्रेक मिलेगा। एंड यहाँ पे आप फेंडर पे देखोगे तो टर्न लाइट इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, निशान मैग्नाइट की ब्रांडिंग। वो आरबीएम गाइज यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के पूरे मैट फिनिश में मिलते हैं एंड इसका टर्न लाइट इंडिकेटर फेंडर पे मिलता है। एंड वो आरबीएम को आपको पूरा ही मैनुअल एडजस्ट करना है। यहाँ पे देख रहे हो बेस वेरिएंट है एंड यहाँ पे डोर हैंडल है, वो आपको बड़े कलर देखने को मिल रहे हैं। एंड इसको गाइज आपको लॉक अनलॉक मैनुअली की के थ्रू करना है फिजिकली। एंड यहाँ पे आते हो तो रियर का कुछ ऐसा लुक मिलता है, यहाँ पे गाइज आपको छोटा सा क्वार्टर विंडो देखने को मिलता है, जिससे कि व्हीकल की लुक काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है। एंड गाइज इसको कंपेयर किया जाता है काइगर से, फ्रॉन्क से, एंड उस सेगमेंट में सबसे बढ़िया यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस एंड बूट स्पेस देखने को मिलता है। एंड आते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ, तो साइड प्रोफाइल आप लोगों ने देख ही लिया। ये गाइज इसकी रियर प्रोफाइल भाई, देख रहे हो बेस वेरिएंट है एंड आपको ऊपर रूफ रेल मिल जा रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो स्पॉइलर मिल जा रहा है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, डिफॉगर, वाइपर, मतलब बेस वेरिएंट में कोई भी कंपनी भाई इतना कुछ अपने कारों में नहीं देती है। मतलब बेस वेरिएंट से आप देखे हो यहाँ पे डिफॉगर मिल रहा है, वाइपर मिल रहा है, बढ़िया सा स्पॉइलर मिल रहा है, ऊपर रूफ रेल मिल जा रहा है, वो भी भाई डुअल कलर में, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में आपको स्पॉइलर मिल रहा है, तो काफी अच्छी बात है, सॉरी रूफ रेल। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो निशान मैग्नाइट की ब्रांडिंग मिल जा रही है। स्किड प्लेट गाइज यहाँ पे आपको सिल्वर में नहीं ब्लैक में देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइज आप देख रहे हो आप आफ्टर मार्केट काम करवा सकते हो, प्रॉपर दिया गया है फिटिंग वगैरह। यहाँ पे नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर मिलेंगे, 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। एंड गाइज यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप, रियर कैमरा नहीं मिलता है इसमें। एंड अगर देखते हो भाई टेल लैम्प को, तो यहाँ पे फुल्ली हैलोजन टेल लैम्प देखने को मिलता है, चाहे बात करो ब्रेक लाइट की, टर्न लाइट इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट, पूरा यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन मिलता है। यहाँ पे गाइज आपको वाइपर के लिए वॉशर देखने को मिलेगा इसके हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प पे। एंड चुंडी जैसा गाइज यहाँ पे आपको एंटीना देखने को मिलता है। एंड ये गाइज इसकी ओवरऑल रियर की प्रोफाइल। बात कर लेते हैं गाइज इसके बूट स्पेस को, तो गाइज यहाँ पे आपको 336 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है मैग्नाइट में। यहाँ पे आपको प्रॉपर ऊपर कवर मिलेगा, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डिंग के लिए लाइट मिल जाती है रिफ्लेक्टर के लिए। इसमें गाइज आपको बूट लाइट नहीं देखने को मिलता मैग्नाइट के बेस वेरिएंट में। एंड यहाँ पे आपको हैंगर वगैरह देखने को मिलेगा, इधर आपको भाई किट वगैरह मिल जाता है, ट्रायंगल वगैरह मिलेगा। और नीचे आते हो तो गाइज यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है। बात करें अगर इसके व्हील के डायमेंशन की, तो यहाँ पे आपको गाइज 185/65 सेक्शन टायर मिलता है विद 15 इंचेस ऑफ रिम व्हील, ऑरेंज कलर का रिम व्हील मिलता है। बूट स्पेस काफी सही मिलता है यहाँ पे आपको।
इसको करते हैं क्लोज। एंड गाइज ये है इसके ओवरऑल राइट साइड प्रोफाइल, जहाँ पे टायर प्रोफाइल वगैरह सेम मिलता है। एंड गाइज यहाँ पे आपको 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, राइट साइड फ्यूल नोब मिल जाता है बैक फेंडर पे। एंड गाइज यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं इसके फ्रंट की तरफ, आप देखेंगे यहाँ पे आपको फिजिकली व्हीकल को लॉक अनलॉक करना पड़ेगा। एंड बॉडी कलर डोर हैंडल मिलता है, वो आरबीएम आपको पूरा ही मैनुअल देखने को मिलेगा। सो गाइज ये था इसका पूरा वॉकअराउंड की बाहर से देखने में क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या लुक मिलती है। एंड अब बात करते हैं इसके डायमेंशन, वेट एंड सेफ्टी फीचर्स की। गाइज डायमेंशन बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसके सभी वेरिएंट में जो डायमेंशन है पूरा सेम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे गाइज अगर लेंथ की बात करें तो 3994 mm की लेंथ मिलती है। व्हीलबेस गाइज यहाँ पे आपको 2500 mm की मिलती है। एंड अगर बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो गाइज यहाँ पे आपको 205 mm की बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। मैग्नाइट में ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है। एंड अगर बात करेंगे ओवरऑल हाइट की तो 1572 mm की हाइट मिलती है। एंड चौड़ाई की बात करेंगे फ्रंट से तो गाइज यहाँ पे आपको 1758 mm की पूरी विड्थ देखने को मिलती है। तो काफी अच्छा डायमेंशन देखने को मिलता है। एंड कर्वेट की बात करें तो गाइज यहाँ पे आपको 939 kg की कर्वेट मिलती है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस मैंने बताई दी। एंड बात करते हैं अब सेफ्टी फीचर्स की, तो गाइज यहाँ पे आपको काफी लिमिटेड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। लाइक गाइज यहाँ पे आपको 2 एयरबैग, ABS, CBD, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटर, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, हिल असिस्ट वगैरह सब देखने को मिलता है इसमें। एंड गाइज यहाँ पे आप टॉप मॉडल में जाते हो तो काफी सारे और सेफ्टी फीचर्स इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन ठीक है भाई, बिल्ड क्वालिटी वाइज भी डिसेंट है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं आने वाली है। एंड गाइज चलते हैं इसके हम लोग फर्स्ट रो डोर पे और देखते हैं कि वहाँ क्या क्या फीचर्स देखने को आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे गाइज अगर आप देखेंगे तो जो की है कुछ ऐसा मिलता है, मैंने आपको दिखाई दिया। एंड यहाँ पे आपको इसी के थ्रू इसको लॉक अनलॉक करना है। बॉडी कलर डोर हैंडल मिलते हैं। एंड ये है गाइस इसकी डोर, डुअल कलर में डोर मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगी फैब्रिक फिनिश। एंड इधर आपको हार्ड प्लास्टिक डोर लॉक अनलॉक लीवर, ये काफ़ी ज़्यादा गाइज ओल्ड जनरेशन का लगता है, इसको चेंज करना चाहिए निशान वालों को। यहाँ पे डोर लीवर ब्लैक कलर का मिलेगा, सिल्वर की फिनिश मिल जाती है। पावर विंडो कंट्रोल, तो ये चीज़ देख रहे हैं गाइज बेस वेरिएंट है, तो यहाँ पे रियर में तो बढ़िया लुक मिल ही रहा था भाई आपको, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, डिफॉगर, वाइपर वगैरह सब, रूफ रेल भी मिल जा रहा था। तो उसके साथ यहाँ पे बेस मॉडल में ही चारों पावर विंडो कंट्रोल मिलते हैं। यहाँ पे गाइज आपको स्पीकर मिलेगा। एंड यहाँ पे मिल जाते हैं बॉटल होल्डर कुछ स्पेस, गाइज स्पीकर का हाउसिंग मिलता है, स्पीकर नहीं मिलता है, आपको आफ्टर मार्केट करवाना पड़ेगा। एंड ये गाइज इसका ओवरऑल इंटीरियर, एक बार की को इंसर्ट कर देता हूँ। सीट्स को देखते हैं गाइज, तो यहाँ पे गाइज आपको जो सीट है वो फैब्रिक मिलती है। एंड कुशनिंग सीट की काफ़ी अच्छी है। एंड फोर मिल जाते हैं आपको हेड रेस्ट, पीछे दो आगे दो, दोनों ही एडजस्टेबल हैं। एंड यहाँ पे सीट हाइट एडजस्टेबल इस वेरियंट में नहीं आता है, एंड सीट को आपको पूरा मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड गाइज चलते हैं इंटीरियर में इसके, तो यहाँ पे आपको गाइस कुछ ऐसा इंटीरियर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस सबसे पहले इसका हम आईडी ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे गाइज MID ऑन करने के बाद कुछ ऐसा सीन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे गाइज इधर आपको मिलेगा टैकोमीटर, इधर मिल जाता है आपको इस बीच में स्पीडोमीटर, लो बैटरी इंडिकेटर मिलेगा, यहाँ डिजिटल फ्यूल गेज मिल जाएगा, इंजन चेक लाइट, सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह मिल जाएगा। एंड यहाँ पे गाइज आपको बीच में टायर प्रेशर मॉनिटर वगैरह सब देखने को मिलेगा। एंड गाइज इसका वाइपर ऑन था। बाकी अगर स्टेयरिंग को देखते हैं तो गाइज यहाँ पे आपको जो स्टेयरिंग है वो टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। एंड अगर देखते हैं स्टेयरिंग को तो यहाँ निशान की ब्रांडिंग मिलती है, सिल्वर फिनिश मिल जाती है। एंड बाकी अगर टॉगल को देखते हो तो यहाँ पे गाइज आपको मिल जाते हैं हेडलाइट के टॉगल, टर्न लाइट इंडिकेटर वगैरह। इधर टॉगल को देखते हो तो वाइपर कंट्रोल आ जाते हैं, बाकी सिल्वर फिनिश है, ठीक है। एंड स्टेयरिंग काफी ठीक सा मिलता है आपको यहाँ पे। एंड बाकी इधर देखेंगे हेडलाइट लेवर आ जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है, यहाँ पे गाइज कीनोवा आ जाता है, थ्री पैडल्स मिलते हैं, एक्सलेटर ब्रेक एंड क्लच के। एंड बाकी मैंने डोर को आपको बता ही दिया पूरा। AC बेंट्स की टेक्सचर काफी सही मिलती है यहाँ पे आपको, एंड लैम्बो की फिनिश में मिलती है भाई ये। बाकी ऊपर पूरा आपको मिल जाता है हार्ड प्लास्टिक, इधर दो AC बेंट्स मिलते हैं। बाकी गाइज एंटरटेनमेंट में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह कुछ नहीं मिलते, स्पीकर ये सब नहीं मिलता है। गाइज यहाँ पे आपको हैजार्ड लैंप मिल जाएगा, यहाँ पे बूट का मिल जाता है ट्रंक ओपन करने के लिए, AC आ जाता है जो कि गाइज ऑटो है, बाकी यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ स्पेस, यहाँ पे आपको मिलेगा 12 वाट का पावर सॉकेट, इधर कुछ स्पेस। एंड गाइज 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, तो गियर लीवर कुछ ऐसा मिलता है, रिवर्स आपको इसको ऐसे उठाना पड़ेगा एंड लगाना पड़ेगा। बाकी 2 कप होल्डर आ जाता है, कुछ स्पेस एंड हैंड ब्रेक। यहाँ पे आपको गाइज कुछ ऐसा मिल जाता है ग्लव बॉक्स, बाकी IRVM देखते हैं आपको पूरा मैनुअल देखने को मिलता है। एंड आप अगर देख रहे हो सनवाइजर को तो यहाँ पे कोई भी टिकट होल्डर वगैरह नहीं है, लाइट मिल जाता है गाइज जो कि हेलोजन है। इधर सनवाइजर को देखते हो तो वैनिटी मीटर के साथ मिलता है। बाकी कुछ ऐसा ओवरऑल इंटीरियर देखने को मिल जाता है आपको मैग्नाइट में, ठीक सा इंटीरियर डुअल कलर में देखने को मिलता है। एंड एक बार आप पूरा लुक चेकआउट कर लो इसका। सो गाइज ये था इसका इंटीरियर, अब चलते हैं इसके सेकंड रो पे। फर्स्ट रो तो ठीक है, एंड बेस मॉडल में काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड इसको करते हैं भाई ऑफ।
तो यहाँ पे गाइज आप चलेंगे पहले सेकंड डोर पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं दो बॉडी कलर डोर हैंडल मिलते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। सेम गाइज फ्रंट की तरह टेक्सचर के ही डोर मिलते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा फैब्रिक फिनिश, ऊपर हार्ड प्लास्टिक मिल जाएगा, डोर लीवर ब्लैक कलर का, पावर विंडो कंट्रोल कुछ स्पेस मस्त सा एकदम आपको सिल्वर फिनिश मिलता है, बॉटल होल्डर कुछ स्पेस, एंड यहाँ पे गाइज आपको मिल जाता है हाउसिंग स्पीकर के लिए डोर लॉक अनलॉक का लीवर। बाकी गाइज यहाँ पे आपको स्पेस इतना मिल जाता है, एंट्रेंस सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप अंदर जाओगे बाहर आओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। एंड चलते हैं गाइज अंदर। तो गाइज अंदर चलने से पहले आप इसका पूरा इंटीरियर एक बार चेकआउट करिए, ऊपर रूफ पूरा बेज मिलता है, यहाँ पे आपको गाइज लाइट मिल जाता है हैलोजन, एंड यहाँ पे आपको हैंडल मिलता है जो कि सॉफ्ट क्लोज है, एंड यहाँ पे एक हैंगर भी मिलेगा। एंड गाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं तो फैब्रिक की सीट्स आती है, आर्मरेस्ट नहीं मिलते हैं, हेड रेस्ट दो हैं, दोनों एडजस्टेबल, पीछे पार्सल ट्रे नहीं मिलता है भाई, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे गाइज अगर देख रहे हो आगे वाली सीट को मैंने पूरा ही पीछे किया हुआ एडजस्ट, एंड नी रूम कितना सही मिल रहा है, एंड लेग रूम भी ठीक है, एंड थाई सपोर्ट भी देख रहे हो तो ये भी भाई ठीक है, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। एंड यहाँ पे अगर देख रहे हो हेड रूम को कुछ ऐसा हेड रूम मिल जाता है, यहाँ पे आपको ठीक सा गाइज यहाँ पे हेड रूम मिल रहा है, स्पेस भी सही है, एंड ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होने की वजह से आपको हाइट पे थोड़ा आप महसूस करोगे, तो ये सब चीजें बढ़िया बात है भाई। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी वगैरह सॉकेट वगैरह नहीं मिलती है, एंड इंटीरियर इसका सही है, छोटा सा क्वार्टर विंडो मिलता है। चलते हैं गाइज इसके बाहर, एंड अब बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, कि गाइज फीचर्स में जितनी बढ़िया हैं तो इंजन में दम भी होना चाहिए, तो क्या इसमें पावर एंड टॉर्क देखने को मिलता है। तो इसका हुड ओपन करना होगा आपको भाई, यहाँ से गाइज इसका आगे का हुड ओपन हो जाता है। एंड गाइज यहाँ पे आपको इसका हुड ओपन करने के बाद कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको हुड पे प्रॉपर इंसुलेटर मिल जाता है, तो गाइज इंजन की आवाज़ वाज बाहर नहीं आने वाली है। एंड कुछ ऐसा आपको इंजन सेटअप मिलता है, जहाँ पे अगर आप इधर देख रहे हैं लेफ्ट साइड, तो यहाँ फ्यूज बॉक्स मिलेगा, इधर बैटरी मिल जाता है, एंड गाइज थ्री सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है ये, एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है कूलेंट वगैरह। एंड बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो 999 cc थ्री सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड VS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल जाता है, जो जनरेट करता है मैक्स पावर 71.02 bhp 6250 rpm पे। वहीं अगर टॉर्क की बात करें तो 96 nm को टॉर्क जनरेट कर देता है 3500 rpm पे, तो पावर एंड टॉर्क भाई ठीक है। एंड अगर जिसको थोड़ा सा और ज्यादा पावर टॉर्क चाहिए, थोड़ा सा पावरफुल इंजन चाहिए, तो वो टर्बो पे जा सकता है, टर्बो वेरिएंट में अवेलेबल होता है, एक्सल से अवेलेबल होता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्सी वेरिएंट में आपको भाई टर्बो नहीं देखने को मिलता है, तो एक थोड़ा सा ऊपर टर्बो में जाना है तो आपको एक्सल वेरिएंट लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पे गाइस आपको वॉशर मिल जाता है पानी भरने के लिए, एंड कुछ ऐसा इंजन स्पेसिफिकेशन आपको पूरा देखने को मिल जाता है। वैसे गाइस मैं डेली लाइफ में देखता हूँ मेरे एक नियर बाय में जो भी मैग्नाइट ओन करते हैं, तो नॉर्मल नेचुरल एस्पिरेटेड उनके पास इंजन है, टर्बो वेरिएंट नहीं है, नॉन टर्बो है, उसके बाद भी वो थोड़ा सा पहाड़ी इलाकों पे लेके जाते हैं, तो उनको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं देखने को मिलती है चार बंदों के साथ। सो गाइज ये था इसका पूरा इंजन स्पेसिफिकेशन, कि इंजन में क्या पावर एंड टॉर्क देखने को मिल जाता है। होप करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी इसके रिगार्डिंग। एंड प्राइसिंग की बात करूँ तो गाइज मोटी मोटा 600,000 एक्सोरूम प्राइस देखने को मिल जाती है आपको मैग्नाइट बेस वेरिएंट जो कि एक्सी है। एंड यहाँ पे एक चीज बता दूँ गाइज, यहाँ पे आपको अगर टर्बो लेना है तो एक्सल पे जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको एसएससी कंपनी की तरफ से क्या क्या मिल सकती है बता देता हूँ भाई। यहाँ पे आपको स्किड प्लेट मिल जाएगा, व्हील कवर मिल जाएगा, ऊपर आप देखेंगे तो डोर वाइजर मिल जाएगा, रेन वाइजर आप बोल सकते हो, एंड नीचे आपको क्लाइडिंग मिल जाएगी। एंड फ्रंट में आते हो तो फ्रंट में भी आपको यहाँ पे स्किड प्लेट एंड फॉग लैंप इंस्टॉल करके दिया जा सकता है एसेसरीज के तौर पे, जिसको आपको भाई एक्स्ट्रा कॉस्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एसेसरीज के लिए, बट कंपनी फिटेड एसेसरीज मिलेगा, तो भाई वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा भरोसा देखने को मिल जाता है। प्राइस मैंने बता दिया, अगर मुझसे कोई भी चीज़ मिस हो जाता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, मैं वहाँ पे भाई रिप्लाई दे दूंगा। बाकी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कोई भी चीज़ मिस हो गया कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड गाइज मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय।